92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं दिल्ली मेरी जान रिचा अनिरुद्ध के साथ। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। बिग हीरो कौन होता है? वो नहीं जो बड़े पर्दे पर एक साथ अकेले 10-10 विलन्स को मार गिराता है। बिग हीरो वो होता है जो अपनी असली जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचता है, समाज की बेहतरी के लिए कुछ करता है और अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी बचाने का, बदलने का, बेहतर बनाने का काम करता है। और इसीलिए 92.7 बिग एफएम पर हम आपके लिए लेकर आए हैं ये नया शो बिग हीरोज, जिसमें हर हफ्ते हम मिलेंगे और सलाम करेंगे एक ऐसे बिग हीरो को जिसकी जिंदगी से हम और आप सब लोग प्रेरणा ले सकें। कल यानी 6 मई को एक फिल्म रिलीज हुई है ट्रैफिक, और ट्रैफिक भी एक ऐसे ही बिग हीरो की कहानी हमको बताती है जो अपनी असली जिंदगी में है तो एक ट्रैफिक कांस्टेबल, लेकिन किसी की जान बचाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगा देता है। फिल्म में इस बिग हीरो का नाम है कांस्टेबल गोड़बोले, और कांस्टेबल गोड़बोले की भूमिका निभाने वाले मनोज वाजपेयी आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं। मनोज, बहुत बहुत स्वागत है बिग हीरोज में। थैंक यू। मुझे बताइए, बिग हीरोज के रोल्स आपने पहले भी किए हैं, LOC योगेंद्र सिंह यादव 1971, मेजर सूरज सिंह, और ट्रैफिक कांस्टेबल रामदास गोड़बोले जी। बहुत जरूरी ऐसी फिल्में बननी चाहिए जो समाज के जो वाकई हीरो हैं उनकी कहानियां दुनिया तक लाए। नहीं देखिए, हम लोग फिल्में करते हैं तो ये सोच के नहीं करते हैं कि हमें ऐसी फिल्म करनी चाहिए। जब हम लोग रियल लाइफ के इस तरह के फाइट फॉर जस्टिस लेते हैं तो जिम्मेदारी हमारी बढ़ जाती है एज ए फिल्म मेकर, एज एन एक्टर, कि हम उसके साथ अन्याय नहीं होने दें, कहीं से उसको हल्के बना लें। उसी तरीके से ट्रैफिक फिल्म में जो गोड़बोले का है तो जिम्मेदारी ये रहती है कि हम इंसान को वहां पर लेके आए, क्योंकि वर्दी उतनी ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होती है, वो शख्सियत बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं जो अपनी ड्यूटी को, अपनी इज्जत को, अपनी प्रतिष्ठा को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं। वाकई बहुत खूबसूरत बात कही है मनोज वाजपेयी ने, और इनकी फिल्म ट्रैफिक में ऐसी ही एक सच्ची घटना दिखाई गई है जब एक ट्रैफिक कांस्टेबल ने अपनी वर्दी को, अपनी ड्यूटी को सिर्फ गंभीरता से ही नहीं लिया, इंसानियत से भी लिया, और तैयार किया एक ग्रीन कॉरिडोर जिसमें एक धड़कता हुआ दिल एक व्यक्ति से लेकर दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाया जाता है उसकी जान बचाने के लिए, और एक ऑर्गन को समय रहते जरूरतमंद व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए जिस तरह से सड़क को पूरी तरह से खाली किया जाता है उसे कहते हैं ग्रीन कॉरिडोर। अक्सर हमारे शहरों में ट्रैफिक पुलिस ऐसे ही ग्रीन कॉरिडोर्स तैयार करती है लोगों की जान बचाने के लिए, लेकिन हमें शायद उसके बारे में पता ही नहीं चल पाता। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम समाज में अपने आसपास जो हीरोज हैं जिन्हें कोई पहचानता नहीं, जो अपने अच्छे काम खुद आकर हमसे कहते नहीं, अब हम उनके अच्छे कामों को पहचाने, और यही कोशिश हम कर रहे हैं हमारे शो बिग हीरोज में। कुछ ही देर में मेरे साथ जुड़ेंगे ट्रैफिक फिल्म में अहम किरदार निभाने वाले जिमी शेरगिल और विशाल सिंह, और साथ ही मुंबई ट्रैफिक पुलिस के 3 कांस्टेबल्स जो हमें बताएंगे कि असल जिंदगी में ये जो हीरोज हैं ये ग्रीन कॉरिडोर कैसे बनाते हैं और कैसे लोगों की जिंदगी बचाते हैं। आप सुनते रहिए हमारा खास शो बिग हीरोज। में हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। आप सुन रहे हमारा खास शो बिग हीरोज। मैं हूँ आपके साथ रिचा अनिरुद्ध, और बिग हीरोज में हर हफ्ते हम सलाम करेंगे ऐसे लोगों को जो महात्मा गांधी के उस मैसेज बी द चेंज यू वॉन्ट टू सी इन द वर्ल्ड को सही साबित करते हैं। वो अपने आसपास समाज में लोगों की जिंदगी में एक ऐसा बदलाव लाते हैं जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। और ऐसे ही एक बिग हीरो ट्रैफिक कांस्टेबल गोड़बोले की कहानी है फिल्म ट्रैफिक, जो कल ही रिलीज हुई है। कांस्टेबल गोड़बोले की भूमिका निभाई है मनोज वाजपेयी ने, जिनका ये मानना है कि ऐसे रियल लाइफ हीरोज की कहानियां दुनिया तक पहुंचना बहुत जरूरी है। और अब स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ गए हैं ट्रैफिक के 2 और अहम किरदार, जिमी शेरगिल और विशाल सिंह। फिल्म में मुंबई पुलिस कमिश्नर गुरबीर सिंह की भूमिका में है जिमी शेरगिल। जिमी, ट्रैफिक में कितना सच है और कितना फिक्शन? मेन स्टोरी जो है वो ऑब्वियसली ट्रू होगी, जो ट्रांसफर ऑफ द हार्ट है,
बाकी जो सब प्लॉट्स हैं और वो सारी चीजें हैं आई थिंक वो ढाली गई हैं मेरे हिसाब से बाय द राइटर्स. मगर मैंने पहले देखी थी साउथ वाली जो डायरेक्टर की ट्रैफिक थी, मुझे बहुत पसंद आई थी. चेन्नई की सच्ची घटना पे इन्होंने मलयालम में फिल्म बनाई, वो चेन्नई टू बैंगलोर शिफ्ट किया गया था. वहां बनाने के बाद उनको उन्होंने इसको अडेप्ट किया हिंदी ऑडियंस के लिए, तो उस हिसाब से चीजों को बदला गया है. जब आप लोग इस तरह से सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में करनी होती है, आप लोगों ने अपना होमवर्क कैसे किया कि आप मिलने गए ट्रैफिक कांस्टेबल से बात की, आपको तो मराठी का एक्सेंट लाना पड़ा. क्या है कि मेरा हमेशा मानना है कि जब आप किसी आम आदमी का रोल करते हो ना, तो आइडिया ऑफ हिम शुड बी प्रोजेक्ट. कोई वो महात्मा गांधी की तरह या अब्राहम लिंकन की तरह से वो पूरी दुनिया उनके चेहरा नहीं जानती है, उनके चाल ढाल या व्यवहार नहीं जानती. विशाल, फिल्म में आपका रोल क्या है? ऐसे लड़के का है जिसने अभी अपना कॉलेज खत्म किया है, बहुत एम्बिशियस है, उसको जर्नलिस्ट बनना है. सो इवेंचुअली ही गेट्स अ जॉब, एंड जब वो अपने फर्स्ट जॉब के लिए जा रहा होता है तब वो एक्सीडेंट होता है. और विशाल के उसी एक्सीडेंट के बाद उन तक एक धड़कता हुआ दिल पहुंचाने की कहानी है ट्रैफिक. और सोचिए असली जिंदगी में ऐसे कितने सारे एक्सीडेंट विक्टिम्स या ऐसे लोग जिन्हें किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत है, उन्हें अगर समय रहते वो ऑर्गन मिल जाए तो हम कितनी जिंदगियां बचाने का काम कर सकते हैं. और वही काम कर भी रहे हैं हमारे ट्रैफिक पुलिसमैन. और सिर्फ ट्रैफिक पुलिसमैन ही नहीं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो समाज की बेहतरी के लिए, लोगों की जान बचाने के लिए, लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं. मनोज, जिमी, ऐसे ही लोगों की कहानियां हम दुनिया तक पहुंचाएंगे अपने शो बिग हीरोज के जरिए. उन लोगों की जो झुग्गियों में जाके गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं या खाना खिलाते हैं या ऑर्गन डोनेशन पे काम करते हैं, ऐसे सारे अनसंग हीरोज के लिए आपका एक मैसेज लेना चाहूंगे. हमारे समाज, किसी ने कहा कि ये चल नहीं पाता चरमरा के गिर जाता. अगर इस तरह के जो सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ विलिंग लोग नहीं होते इस समाज में, तो ऐसे लोगों को सलाम है. ऐसे लोगों के कारण बहुत सारी अच्छी चीज़ें बची हुई हैं और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हो रही हैं. कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम सब अपनी तरफ से रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स बनना शुरू कर दें, जरूरी नहीं है कि आप किसी एक बहुत बड़ी कॉज को लेके आप करें, आप एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन कोई भी एक छोटी चीज़ एक दिन में कर जाए तो बहुत बड़ी बात होती है. मनोज, जिमी, विशाल, बहुत बहुत शुक्रिया बिग हीरोज में हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू रिचा, थैंक यू. इसी के साथ मैं यहाँ रुकूंगी एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद मेरे साथ जुड़ेंगे मुंबई ट्रैफिक पुलिस के तीन कांस्टेबल जो हैं रियल लाइफ बिग हीरोज. आप सुनते रहिए 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, मेरे यानी रिचा निरुद्ध के साथ. 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज. Big FM पर Big Heroes. Big Heroes. 92.7 Big FM पर आप सुन रहे हैं हमारा खास शो Big Heroes. मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध और अब मेरे साथ जुड़ गए हैं तीन रियल लाइफ हीरोज. ये सभी ट्रैफिक कांस्टेबल्स हैं. इनके नाम हैं कांस्टेबल विश्वास काशीनाथ भोईर, कांस्टेबल रमाकांत मनोहर बटगुजर और कांस्टेबल अमित मानिक राव गायकवाड़. ये तीनों मुंबई ट्रैफिक पुलिस में तैनात हैं और मुंबई पुलिस के इन तीन ट्रैफिक कांस्टेबल्स के जरिए आज हम उन तमाम बिग हीरोज को, ट्रैफिक कांस्टेबल्स को सल्यूट करना चाहते हैं जो लोगों की जान बचाने के लिए एक ऑर्गन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करते हैं. बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का. एक बात बताइए, 150 मिनट के अंदर एक हार्ट ट्रांसफर होना है मुंबई से पुणे के लिए, ग्रीन कॉरिडोर बनाना है. आप लोगों का अपना एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी, कभी आप लोगों ने जब ग्रीन कॉरिडोर बनाया तो क्या किया? पुणे से कभी प्लेन से मुंबई आते हैं, डोमेस्टिक एयरपोर्ट गेट नंबर 8 से वो फोर्टिस हॉस्पिटल जाना चाहता है. रूटिंग में 1 घंटा लगता उसको जाने के लिए. ट्रैफिक सब नॉर्मल करके हमने वो 14 मिनट में पहुंचाया था. 1 घंटे का सफर 14 मिनट में. अच्छा, ये कहाँ है मुंबई में? मुलुंड में. कितने किलोमीटर हुआ? 19 किलोमीटर. 19 किलोमीटर का सफर आप लोगों ने 14 मिनट में तय किया. कैसे बनता है ग्रीन कॉरिडोर, थोड़ा समझाइए हम सबको. दोनों साइड की पार्किंग निकाली जाती है पहले. हाँ. सिग्नल है, सिग्नल पे आदमी लोग खड़ा करते हैं, ट्रैफिक के अमलदार, ट्रैफिक का पायलट सब जगह पे अलर्ट करता है मूवमेंट आने वाले. इसी तरह कितना टाइम लगता है ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने में? आधे घंटे पहले हमको मालूम रहता है कि हमारी जिम्मेदारी क्या है. हमारे सीनियर से लेके हमारे जॉइंट कमिश्नर सर तक, उनको मालूम रहता है कि कौन क्या काम कर रहा है, किसको क्या काम दिया गया है. वो हिसाब से जैसे ही मूवमेंट स्टार्ट होती है, वहां पर जो टेरिटरी का पहला पायलट रहता है वो आगे के सब इनको अलर्ट कर देता है कि मूवमेंट स्टार्ट हो गई, सब क्लियर करो. पहले से हम लोग वो ग्रीन कॉरिडोर जाने के लिए रास्ता क्लियर करके रखते हैं.
बीच में कोई आए नहीं इसके लिए हम सबको अलर्ट करते करते वो मूवमेंट को फास्ट से फास्ट लेके जाते जल्द से जल्द पूरा रास्ता खाली करके सब पार्किंग हटा के। और मुंबई का तो वैसे ट्रैफिक देखा जाए तो उसको संभालना तो वैसे ही अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। कितने घंटे के अंदर आप लोग ग्रीन कॉरिडोर बना सकते हैं? 10 मिनट के अंदर ही बना देते हैं। जैसे हमारे मेन कंट्रोल से हमें कॉल आता है कि अभी एक ग्रीन कॉरिडोर बनाने का है, एक हार्ट यहाँ से ट्रांसप्लांट होके हॉस्पिटल में जाने वाला है, तो हम लोग वैसा उस एरिया के सीनियर्स को मैसेज दिया जाता है कि बाबा ऐसा ऐसा होने वाला है, आप बंदोबस्त लगाओ। और जब स्टार्ट होती है मूवमेंट पूरे रास्ते पैक करके उस वही वे क्लियर रखते जो एम्बुलेंस एकदम फास्ट में निकल जाए और ज्यादा से ज्यादा जल्दी जितना होगा उतना जल्दी वो हॉस्पिटल में पहुंच जाए और किसी की जान बच जाए। क्या बात है, किसी की जान बचाने के लिए इतनी सारी एकदम सब तैनात हो जाते हैं और ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है जो आजकल हम लोग देख रहे हैं कि बहुत सारे शहरों में बहुत कॉमन हो गया है और बहुत सारी जानें इस वजह से बच रही हैं। हमें बड़ी शिकायतें रहती हैं अक्सर, हम जब खुद हम ट्रैफिक नियम तोड़ते हैं और शिकायत इन लोगों से ट्रैफिक पुलिस वालों से करते हैं। आज मैं अपने इन रियल लाइफ हीरो से पूछना चाहूंगी कि क्या इन्हें हमसे कोई शिकायत होती है। बस सबसे कुछ ही देर में बात करूंगी इनसे। कांस्टेबल विश्वास काशीनाथ भोयर, कांस्टेबल रमाकांत मनोहर बटगुजर और कांस्टेबल अमित मानिकराव गायकवाड़ आज है मेरे बिग हीरो। आप सुन रहे हैं 92.7 बिग एफएम पर, मैं हूं आपके साथ रिचा अनिरुद्ध। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज, बिग हीरोज। बात करते हैं उन लोगों की जो चुपचाप अपना काम करते रहते हैं, अपना फर्ज निभाते रहते हैं समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति, दूसरों के प्रति, लेकिन उनके बारे में बहुत सारे लोग जानते नहीं या जानते हैं तो सोचते नहीं। ऐसे ही तीन बिग हीरोज आज मेरे साथ हैं, मुंबई ट्रैफिक पुलिस के तीन कांस्टेबल्स विश्वास, रमाकांत और अमित। आज मैं आप लोगों से पूछती हूँ, हम बड़ी शिकायतें करते हैं आप लोगों से कि आप हमें तंग करते हैं सड़क पर, आप पैसे वसूलते हैं हम लोगों से, आपको हम लोगों से क्या क्या शिकायतें हैं बताइए। एक्चुअली हमारी शिकायत ये है कि सब पब्लिक ने रूल फॉलो करना चाहिए, किसी को तकलीफ नहीं होगा। जैसे रास्ते के ऊपर गाड़ी छोड़ जाते हैं, नो पार्किंग में छोड़ जाते हैं। बड़े घर के लोग होते हैं कभी कभी, वो अपने बच्चों के लिए लाइसेंस नहीं फॉलो करते कुछ। आप लोग पकड़ते हैं कई बार ऐसे माइनर्स को ड्राइविंग करते समय? बहुत लोगों को पकड़ते हैं हम दिन भर, बहुत बच्चों को पकड़ते हैं हम। उनको जब तक उनके पेरेंट्स आते नहीं तब तक उनको हम की देते नहीं है। पनिश नहीं करते उनको, पर हम उनको बोलते आपके पेरेंट्स को बुलाओ। पेरेंट्स को आने के बाद हम वही समझाते कि आपका लड़का अंडर एज है, आप गाड़ी मत दो क्योंकि बाद में आपको रोना है, हमको रोना नहीं है। अभी हाईवे पे कैसा है, हाईवे पे ज्यादा ट्रैफिक रहती है, उसका हाईवे का बैकलॉग पीछे जाता है कभी कभी। लोग क्या करते हैं, राइट में से लेफ्ट में निकालते हैं, लेफ्ट में से राइट में डालते हैं कभी कभी गाड़ियां। सबको ब्रिज पे जाने का है और किसी को बोला हमने तो लेन कटिंग नहीं करने का, लेन में चलने का अपने अपने, तो बोलते तुम कायदा कानून मत सीखो, रोड टैक्स भरते हम। कभी आप लोगों को लगता है ये भी क्या नौकरी है कि सर्दी में गर्मी में बरसात में खड़े हुए हैं, त्योहारों पे खड़े हैं, दिन खड़े हैं रात खड़े हैं और बस आते जाते लोग कुछ कोई कुछ बोल रहा है, कोई नियम तोड़ रहा है, तो गुस्सा नहीं आता कई बार अपनी ड्यूटी करते समय? गुस्सा तो आता है लेकिन क्या करने, गाली देती है, सब कुछ होता है, कभी कभी हाथापाई भी होती है हम लोगों के साथ। अभी क्या हाथापाई हो जाती है, लोग करते हैं अभी क्या, पब्लिक को समझता नहीं है, उनको टोकेंगे भी तो बोलते हैं तुम कौन टोकने वाले है। बाद में आके कोई कुछ कुछ लोग सॉरी भी बोलते या नेक्स्ट डे बोलते सर सॉरी गलती हो गया, जरा मेरा ऑफिस में कुछ हुआ था, घर पे कुछ हुआ था, मैं प्रेशराइज था। कोई मैसेज आज आप सब लोगों को देना चाहते हैं जितने लोग ये शो सुन रहे हैं, सारे शहरों के ट्रैफिक कांस्टेबल्स भी आपको सुन रहे होंगे? सबको मैसेज यही हम देना चाहते हैं हमारे ट्रैफिक पुलिस के तरफ से, मुंबई पुलिस के तरफ से, रूल फॉलो करो और पुलिस को रिस्पेक्ट दे दो, पुलिस आपको रिस्पेक्ट दे देगी। क्या बात है, मेरी ये सबसे विनती है जो मेरे साथ काम करते पूरे डिपार्टमेंट में, वो कानून से काम करे, ज्यादा से ज्यादा चालान काटे, ऐसे ही पैसा किसी का ना ले, सामने वाले को तकलीफ ना हो, बुरा सोचने पे मजबूर मत करो, उसको जो सही कायदे से वो चालान काट के दे दो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया विश्वास काशीनाथ भोयर जी, रमाकांत मनोहर बटगुजर जी और अमित मानिकराव गायकवाड़ जी कि आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, ये शो का हिस्सा बने और सच में आप लोग ही रियल हीरोज हैं, बिग हीरोज हैं। और 92.7 बिग एफएम की पूरी टीम और हमारे सारे लिसनर्स की तरफ से आप सबको, सिर्फ आप तीनों को नहीं, हर ट्रैफिक पुलिसकर्मी को जो डटा रहता है सड़क पर ताकि हम सब लोग सुरक्षित रहें, आप सबको हमारा सलाम। थैंक यू। चलिए हमने वो ग्रीन कॉरिडोर की बात तो कर ली जो ट्रैफिक पुलिस तैयार करती है,
किसी की जान बचाने के लिए। लेकिन ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है एक ऑर्गन को उस शख्स तक पहुंचाने के लिए जिसे उसकी जरूरत हो। ऐसे ही ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करते हैं हमारे बिग हीरो समीर दुआ। बात करूंगी उन सबसे बस कुछ ही देर में। आप सुनते रहिए बिग हीरोज मेरे यानी रिचान रुद के साथ 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर बिग हीरोज। बिग हीरोज नाइन्टी टू पॉइंट सेवन बिग एफएम पर बिग हीरोज। 92.7 बिग एफएम पर मैं हूं आपके साथ ऋचा अनुरुद्ध और ये हमारा खास शो बिग हीरोज। बिग हीरोज एक ऐसा शो जो हर हफ्ते सलाम करेगा ऐसे आम लोगों को जो अपनी जिंदगी में करते हैं कोई ना कोई खास काम। और आज बिग हीरोज में मेरे साथ जुड़ी फिल्म ट्रैफिक की टीम मनोज वाजपेयी, जिमी शेरगिल और विशाल सिंह। और साथ ही हमने बात की मुंबई ट्रैफिक पुलिस के तीन कांस्टेबल से। फिल्म ट्रैफिक में दिखाया गया है कि कैसे एक हार्ट को बॉम्बे से पुणे ट्रांसफर करने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया जाता है ताकि वो हार्ट सही समय तक उस शख्स तक पहुंच सके जिसे उसकी जरूरत है। और ये ग्रीन कॉरिडोर बनाने के लिए सबसे अहम भूमिका निभाती है ट्रैफिक पुलिस। और इसीलिए मुंबई ट्रैफिक पुलिस के कांस्टेबल्स को हमने कहा बिग हीरो। और अब एक और बिग हीरो मेरे साथ जुड़ रहे हैं जो ऑर्गन डोनेशन के लिए काम करते हैं अपने एनजीओ गिफ्ट योर ऑर्गन के जरिए। इनका नाम है समीर दुआ। समीर बहुत बहुत स्वागत है आपका बिग हीरोज में। चाहूंगी आप हम सबको बताएं कि गिफ्ट योर ऑर्गन एनजीओ की शुरुआत कब और कैसे हुई। जरूर ऋचा जी, 2011 में जब मैं बैंगलोर में रहता था तब एक सवेरे मैंने डीएनए आफ्टर आवर्स पेपर में एक यंग सी लड़की का एक इंटरव्यू पढ़ा था जो करीबन 24 साल की थी। तब वो लड़की का हार्ट ट्रांसप्लांट हुआ था, तो मैंने बहुत रिसर्च की थी और पता चला था कि बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम ये देश में पर्टिकुलरली और दुनिया भर में भी ऑर्गन डोनेशन का है। लोग सालों साल रहकर से गुजर जाते हैं क्योंकि उन्हें ऑर्गन नहीं मिलते हैं। तो फरवरी 2012 में हमने गिफ्ट योर ऑर्गन फाउंडेशन इनकॉर्पोरेट की सेटअप की। द आइडिया इज टू प्रमोट द कॉज ऑफ ऑर्गन डोनेशन। हम गवर्नमेंट्स के साथ, स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ कर्नाटका और महाराष्ट्र में काम करते हैं, उन्हें एनकरेज करते हैं, पॉलिसी चेंज के लिए उनको एनकरेज करते हैं। हम ड्राइवर्स लाइसेंस के प्रोजेक्ट में कर्नाटका और महाराष्ट्र के साथ बहुत ही क्लोजली काम कर रहे हैं। हम सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हम उनको एनकरेज कर रहे हैं कि ड्राइवर्स लाइसेंस के ऑर्गन डोनेशन का ऑप्शन डाले। जी, ये ड्राइवर्स लाइसेंस के साथ क्या काम करते हैं आप? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक मूव है, हमने ये बैंगलोर में शुरू किया था। हमने बैंगलोर गवर्नमेंट से कहा कि जब भी लोग आपसे ड्राइवर्स लाइसेंस के लिए आते हैं तो आप उन्हें एक ऑप्शन दीजिए कि प्लेज योर ऑर्गन। अगर वो फॉर्म भर देते हैं तो वी पुट अ ऑर्गन डोनर स्टिकर ऑन दैट पर्सन ड्राइवर्स लाइसेंस। ड्राइवर्स लाइसेंस इज इन द पर्सन पॉकेट ऑल द टाइम। 7 आरटीओज में बैंगलोर में शुरू किया, फिर हमने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से बात की और अब हम कह रहे हैं कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट को नेशनली ये प्रोजेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो हमने रिप्रेजेंटेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ भी की है एंड आई एम बीन गिवन टू अंडरस्टैंड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज लुकिंग एट दिस टू मेक दिस नेशनल। जी समीर, इसमें तो कोई शक नहीं कि ऑर्गन डोनेशन अपने आप में एक बहुत ही नेक काम है, लेकिन इस नेक काम करने में आपको नहीं लगता ट्रैफिक पुलिस बहुत अहम भूमिका निभाती है? इट्स अमेजिंग इन द रिसेंट वन ईयर और सो द अमाउंट ऑफ ग्रीन कॉरिडोर्स ये दिल्ली में, मुंबई में, बैंगलोर में ट्रैफिक पुलिस ने ऑर्गेनाइज किया है, इट इज प्रेज वर्दी। तो उन्हें बहुत ही फ्लैट मिलता है रेगुलरली, लेकिन ऑर्गन डोनेशन के जो उन्होंने ग्रीन कॉरिडोर सेट किए हैं, यू नो, पूना से बैंगलोर ऑर्गन जा रहे हैं, मुंबई से पूना जा रहे हैं, दिल्ली में इंटर दिल्ली में ट्रांसफर हो रहे हैं, और उसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस कर रही है बहुत मेहनत कर रही है, एक मूवमेंट जनरेट हो रहा है फॉर ऑर्गन डोनेशन। बहुत बहुत शुक्रिया समीर हमसे बात करने के लिए और बहुत बहुत शुक्रिया समाज के लिए इतना अच्छा काम करने के लिए। तो इसी के साथ आज बिग हीरोज में ऋचा अनुरुद्ध को इजाजत दीजिए। अगले शनिवार आपसे फिर मुलाकात होगी एक और बिग हीरो के साथ। अगर आप लोग भी अपने आसपास किसी बिग हीरो को जानते हैं तो उनकी कहानी मेरे साथ शेयर कीजिए। आप ट्विटर पर मेरे हैंडल @ऋचा अनुरुद्ध पर मैसेज कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी कर सकते हैं heroes@927bigfm.com। आइए मिलकर सलाम करें हमारे समाज के उन असली हीरोज को जो हैं सम्मान के हकदार। मैं आपको बता दूं कि हमारे बिग हीरोज की कहानियां आप YouTube पर जाकर हमारे बिग FM के पेज पर भी सुन सकते हैं। आज इजाजत दीजिए, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। 92.7 बिग FM पर बिग हीरोज। बिग